फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शाही टुकड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप इन्हें ज़रूर बनाएं। मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊंगी, जिससे ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम चीनी, 100 ग्राम खोया लिया हुआ है, इसे मैश कर लिया है, 250 ml दूध लिया है, दूध आप ठंडा गरम गुनगुना कैसा भी ले सकते हैं, और 6 स्लाइस लिए हुए हैं मैंने। इसके मैंने किनारों को कट कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया हुआ है, और ये कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें थोड़ी सी चिरौंजी है, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा बादाम है जिसे मैंने पतले पतले कट कर लिया है, थोड़ा सा खोया लिया हुआ है, ये भी गार्निशिंग के लिए है, और ग्रेटेड नारियल लिया है, ये भी गार्निशिंग के लिए है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये मैंने स्लाइस को रेक्टेंगुलर कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल कट कर लीजिए या सर्किल में कट कर लीजिए। अब हम इन ब्रेड के पीसेस को फ्राई करेंगे। मैं इसे रिफाइंड में फ्राई करूंगी। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आप घी में फ्राई करें तो उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ज़रूर ऐड कर लें, इससे स्लाइस के ऊपर घी की परत नहीं जमेगी। तो आइए हम इसे डीप फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने तेल चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब अपने ब्रेड के पीसेस को इसमें तल लेंगे। ये हमारे ब्रेड के पीस गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और ऐसे ही हम अपने सारे ब्रेड के पीसेस को तल लेंगे। ये मैंने स्लाइस के पीसेस को गोल्डन कलर का तलकर निकाल लिया है। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें अपना खोया डाल देंगे, और जो 250 ml दूध लिया था हमने वो पूरा डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक थोड़ा फ्लैट गहरा बर्तन लेंगे। आप चाहें तो कोई थाली भी ले सकते हैं, या कोई ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसे हम गैस पर रख सकें। इसमें हम ब्रेड के पीसेस को फैला लेंगे। मैंने स्लाइस के पीसेस को फैला दिया है अच्छे से। अब हम इसमें अपना दूध और खोए का मिक्सचर पोर कर देंगे अच्छी तरह से, कि ये ब्रेड के स्लाइसेस इसमें डूब जाए। अब इसको हम थोड़ी देर तक डिप रहने देंगे, तब तक हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए हम एक भगोना लेंगे, उसमें हम चीनी को ऐड करेंगे। 250 ग्राम चीनी है तो इसमें हम 200 ml पानी डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको गैस पे चढ़ाकर दो तार की चाशनी बना लेंगे। ये मैंने चाशनी को गैस पे चढ़ा दिया है। हम इसको दो तार की चाशनी बनाएंगे, और हम इसमें थोड़ा फूड कलर भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें 1/2 teaspoon पिसी हुई छोटी इलायची डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी दो तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब मैंने जो ब्रेड के पीसेस को दूध और खोए में भिगो के रखा था, उसमें हम इसे
चाशनी को पोर कर देंगे। और गैस ऑन करके हम इसे गैस पे रखकर इसको सुखा लेंगे, पका लेंगे धीरे धीरे। तेज आंच पर पहले पकाएंगे, बाद में हम आंच को धीमी करेंगे। तो अभी हम इसे तेज आंच पर पकाते हुए सुखा लेंगे। ये हमारे मिक्सचर में उबाल आ गया है। अब अभी हमारी आंच, मैंने तेज आंच पे रखा हुआ है इसे, तेज आंच पर रखकर पहले हम इसको सुखा लेंगे। जब ये सूख जाएगा तो हम 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसको पका लेंगे। अच्छी तरह से इसको उबल उबल कर उबाल आने पर इसको अच्छी तरह से पकना है हमारे ब्रेड के पीसेस को। ये हमारे मिक्सचर को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब देखिए काफ़ी हद तक सूख गया है। आप इसे बनाने के लिए कोई फ्लैट ही बर्तन लीजिएगा और कोई हैवी बॉटम का बर्तन लीजिएगा, जिसे आप गैस पर रखें तो ये जले ना। अब हम इसमें थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और थोड़े बचा लेंगे, उसे हम सर्व करते समय डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसमें खोया डाल देंगे। अगर आपके पास गुलाब जल अवेलेबल है तो आप थोड़ा सा हाफ टी स्पून डाल सकते हैं और ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे। हम गैस की फ्लेम लो करके इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं, ये हमारा शाही टुकड़ा बनकर तैयार हो गया है। और हम अपनी गैस ऑफ कर देते हैं। जैसे जैसे ठंडा होगा और थिक होता जाएगा, ये काफ़ी डिलीशियस है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आइए इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए, हमारा ये लजीज शाही टुकड़ा बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।